टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल हाल के दिनों में कई वजहों से चर्चा में रहे हैं। पहले करण जौहर के शो कॉफी विद करण के विवाद के कारण और उसके बाद कई दफा अपने कथित अफेयर की खबरों की वजह से। मीडिया में राहुल और उनके अफेयर की खबरें अक्सर आती हैं। कभी आथिया शेट्टी के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है तो कभी सोनम बाजवा के साथ। अब इन दिनों राहुल का नाम अभिनेत्री आकांक्षा रंजन के साथ जुड़ रहा है। क्रिकेट और ग्लैमर की दुनिया का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहता है। यही वजह है कि इन दोनों क्षेत्रों के लोगों को अक्सर एक दूसरे से जोड़ा जाता रहा है। हाल के दिनों में आकांक्षा और राहुल के करीब आने की रिपोर्ट सामने आई है। अब केएल राहुल ने इन खबरों पर अपनी राय जाहिर की है। वेस्टइंडीज दौरे पर जाने से पहले एक मीडिया द्वारा राहुल से पूछा गया कि आपका नाम अभिनेत्री आथिया शेट्टी और आकांक्षा रंजन और सोनम बाजवा से जोड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस सवाल पर राहुल ने कहा, अच्छा ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं। सच कहूँ तो मैं अखबार नहीं पढ़ता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या लिखा जा रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यक्तिगत रखना सीख गया हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि बातें हों। फिलहाल मैं सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान लगा रहा हूँ। राहुल ने सिंगल होने के सवाल पर कहा, मैं सच में नहीं जानता, जब मैं पता कर लूंगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। आपको बता दें कि आकांक्षा रंजन कपूर अभिनेत्री आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड हैं और अक्सर दोनों एक साथ देखे जाते रहे हैं। बीते दिनों खबरें आई थी कि आकांक्षा ने राहुल की मुलाकात आलिया और उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर से भी करवाई है। गौरतलब है कि हाल ही में आकांक्षा ने गायक अंकित तिवारी के वीडियो एल्बम तेरे दो नैना गाने में अपार शक्ति खुराना के साथ नजर आई थी। इस गाने के साथ आकांक्षा ने लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में कदम रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी पंचायत।